आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शमशाद बेगम जी का जन्मदिन। आज है 14 अप्रैल और आज ही के दिन 14 अप्रैल 1919 को पंजाब के पाकिस्तान में शमशाद बेगम जी पैदा हुई थीं। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे ही उनकी दोस्ती एक लॉ स्टूडेंट गणपत लाल बाटो से हो गई, जो कि उनके पड़ोसी थे। दोस्ती गहरी होती गई और दोनों अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने का सोचने लगे। 1934 में दोनों ने शादी कर ली। इस बीच शमशाद बेगम ने ऑल इंडिया रेडियो में अपना गाना शुरू कर दिया था। डायरेक्टर महबूब खान को शमशाद बेगम की आवाज़ पसंद आई और वो शमशाद को बम्बई लाना चाहते थे। महबूब खान ने शमशाद के हस्बैंड गणपत लाल से कहा कि वो शमशाद बेगम को बम्बई में एक घर और कार देंगे। इस तरह से शमशाद बम्बई आ गई और इससे पहले शमशाद 1941 में फिल्म खजांची और 1942 में खानदान जैसी फिल्मों के लिए गा चुकी थीं। इसके बाद शमशाद बेगम ने फिल्म जमींदार, शमा और तकदीर जैसी फिल्मों में भी गाया। उनके गीत काफ़ी पसंद किए गए और उसके बाद तो उन्होंने उस दौर के लगभग सारे ही बड़े सिंगर्स के साथ में गीत गाए, जो कि बहुत पॉपुलर रहे। 1955 में एक रोड एक्सीडेंट में शमशाद बेगम के हस्बैंड गणपत लाल गुजर गए। इस हादसे के बाद शमशाद बेगम बहुत अकेली पड़ गई थी। वो अपने पति से बहुत अटैच थी। धीरे धीरे उनके गाने कम सुनाई देने लगे। संगीतकार गुलाम हैदर ने उनके बारे में कहा था कि शमशाद की आवाज़ उनको सब कुछ भुलाकर दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। वहीं संगीतकार ओपी नैयर का कहना था कि शमशाद की आवाज़ मंदिर में बजने वाले घंटे की तरह है। शमशाद बेगम के कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता, जैसे होली आई रे कन्हाई, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के घर आज जाना पड़ा, और मुकेश जी के साथ गाना धरती को आकाश पुकारे, फिर मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, लता जी के साथ तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। उनके लास्ट हिट गाने की बात करें तो फिल्म किस्मत का कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, जो कि बहुत बड़ा हिट गाना साबित हुआ है। शमशाद बेगम ने हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, पंजाबी भाषाओं में भी कई हज़ार गाने गाए हैं, लेकिन अगर हिंदी गानों की बात करें तो वो 1200 से ज़्यादा हैं। 2009 में उनको ओपी नैयर अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया, और जिस महीने में उनका जन्मदिन हुआ था उसी महीने में यानी 23 अप्रैल 2013 को उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। दोस्तों, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।